हाय ऑल वेलकम है समत किचन में और घी के फ़ायदे तो आप सब जानते ही हैं और घर के निकले हुए घी की बात ही अलग होती है तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम मलाई को कैसे सही तरह से बिल्कुल स्टोर करें और कम मलाई से ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन और ज़्यादा घी कैसे निकालें और उसके साथ साथ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो फॉलो करनी है उससे घर में ही आप बहुत ज़्यादा घी निकाल सकते हैं थोड़ी सी मलाई से तो चलें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये कटोरा ले लिया जिसमें मैं रोज़ मलाई इकट्ठा करती हूँ तो ये एक दिन की मलाई है और इसमें एक बड़ा चम्मच दही मिला दिया और उसको मिला के अच्छी तरह से इसको मिला दिया और इसको मैं ढाँक करके फ्रिज में रख दूँगी इस तरह से करके मैं रोज़ मलाई इकट्ठा करती हूँ और इस तरह से 10-12 दिन में इस तरह से काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है और मलाई को एक बड़े भगोने में मैं पलट ले रही हूँ और उसके बाद क्योंकि अभी फ्रिज से निकली है ठंडी है ठंड का मौसम है और इसलिए इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए निकाल के बाहर रख देंगे ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर ताकि ये नॉर्मल हो जाए ढाँक के और ढाकने के बाद इस तरह से दस बारह घंटे गुजर जाने के बाद चाहे तो आप रात में निकाल के रख दें और इस तरह से ये मलाई थोड़ी सी फूल जाती है और अब ये मलाई फूल गई है तो अब मैं ये मथानी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोग शायद इसको किसी और नाम से बुलाते होंगे जो भी आप इस नाम से पुकारते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आप इसको किस नाम से पुकारते हैं चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर मथानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बड़ा कन्वीनियंटली हो जाता है बहुत आसानी से तो इस मलाई में मैंने दही डाल के रखा था इसलिए ये फूली हुई है और अभी क्योंकि टाइट है तो इसलिए इसको ऐसे ही हमको थोड़ी देर चलाना है तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये थोड़ी सॉफ़्ट हो गई है अच्छी तरह मिल गई अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे तो पानी ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला है घर का ही जो फिल्टर का पानी होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है और इस तरह से मथानी से हम इसको और फेंटते रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि मथानी मलाई जो है हल्की होना शुरू हो जाएगी दो तीन मिनट फेंटने के बाद आपको लगेगा कि मलाई हल्की हो रही है और ये और पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ये वो हो जाएगी सॉफ्ट और फूल जाएगी तो इस तरह से देखिए अब मथानी चल नहीं रही है अब हम आधा कप पानी और डाल देंगे बड़ा कप समझ तो लीजिए आप दो सौ पानी डाल दीजिए तो इतना पानी और डालने के बाद हम इसको और ऐसे लगातार फेंटते रहेंगे चलाते रहेंगे इसको और ये जो पानी अभी ऊपर दिख रहा है ये फिर पूरा मलाई में मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा ऊपर फूल के आ जाएगी अभी तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि अरे मक्खन नहीं है मक्खन कहाँ से निकलेगा तो इस तरह से थोड़ी देर फेंटने के बाद अभी देखिए इस तरह से फेंटने पे हाथ नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ पानी एक बार भी नहीं डालना है धीरे धीरे करके ये हमको पानी डालना है तो इस तरह से चलाते रहेंगे और तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये मलाई अब फूल के अब इवन लगने लगी है बिल्कुल बराबर सी चिकनी हो गई पहले जो अलग अलग सी खट्टा थी वैसी नहीं और अब आप इस तरह से हाथ भी चला सकते हैं इसको तो ये जो भी इसके थक्के दिख रहे हैं उन सबको फोड़ लें और उनको चला दें और ये देखिए बिल्कुल इवन हो गया बराबर हो गई है ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ गई है अब बस मक्खन निकलने की तैयारी है थोड़ी देर में ही मक्खन निकल आएगा तो इस तरह से मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा घी निकलता है और मक्खन भी काफ़ी सारा निकलता है आ, पर बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं इस तरह से निकालने के तो मेरे दूसरे भी वीडियो हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग ने पसंद किया है जिसमें मैंने डायरेक्ट मलाई से निकाला है घी तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल लास्ट में जब पहुंचेंगे तो आपको दो छोटी चो, छोटी सी स्क्रीन नजर आएंगी और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट लिंक होगा उस वीडियो का तो इसी तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और मिलाया और इस तरह से अब आपको मक्खन ऊपर दिखने लगा है ये देखिए दिख रहा है मक्खन ये जो फूला फूला दिख रहा है तो अब लिक्विड और सॉलिड अलग हो गया है तो जो लिक्विड है वो हमारा छाछ होगा यानी कि बटर मिल्क और जो ऊपर आ रहा है वो मक्खन है तो ये देखिए मक्खन के आपको अब छोटे छोटे से वो गोले दिखाई दे रहे हैं थोड़ा और फेंटने और इस तरह से हमारा मक्खन निकल आएगा तो थोड़ा इसमें बस आपको 10 से 15 मिनट तक का टाइम लगेगा पूरा प्रोसेस करने में और बहुत सारा मक्खन निकलेगा बस आपको मलाई आ, कैसे इकट्ठा करनी है इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि दूध में मलाई भी स्टोर करने का तरीका होता है उसका भी वीडियो है तो ये देखिए मक्खन हमारा इकट्ठा हो गया है कितना सारा मक्खन निकला है ऊपर अब दिखाई दे रहा है और अब हम इसको छान लेंगे तो ये देखिए इसको एक बड़ी छन्नी में लेके मैंने इसको पलट दिया है और ये जो लिक्विड है वो हमारा बटर मिल्क है यानी कि छाछ जिसको कि मट्ठा भी कहते हैं तो बस इस तरह से छा इस तरह से छानने से आसानी ये हो गई कि हाथ नहीं लगाना पड़ा और बड़ी आसानी से मक्खन इसमें आ गया देखिए अभी एक बार अभी और है भगौने में तो कितना सारा मक्खन निकला है वो भी मैं डाल के सारा इस तरह से छान लेती हूँ तो ये भी गया इसके अंदर और अभी आप भगोने में देख रहे हैं तली में थोड़ा मक्खन चिपका हुआ है ये देखिए तो इसको भी हम साफ़ करके डाल लेंगे इसी में सारा पोछ के काफ़ी सारा मक्खन उसमें भी लगा हुआ है तो इस तरह से मैंने ये भी डाल लिया और तो अब ये देखिए कितना ढेर सारा मक्खन निकला अब ज़्यादा मक्खन निकला है तो ज़्यादा घी भी निकलेगा तो हमें ध्यान रखना है कि मक्खन की फिटाई हमें कैसी करनी है और कब पानी डालना है कब नहीं डालना है इस चीज़ का जब ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मक्खन निकलेगा ये है छाछ तो उस छाछ का इस्तेमाल आप चाहें तो ऐसी तड़का लगा के तड़का छाछ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कढ़ी बना लें तो ये मक्खन को अब हमें साफ़ पानी से धोना ज़रूर है इस चीज़ का ध्यान रखना है पानी ये जो भी इतना मिल्क है इसमें या फिर हमने जो दही डाला था वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से धुल जाएंगी और एकदम क्लियर मक्खन निकलेगा तो इसलिए से दो तीन पानी से मैं धो रही हूँ तो वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगे छोटी छोटी दो स्क्रीन बन के नज़र आएंगी दो या एक स्क्रीन तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे दूध की और घी वाली रेसिपी सारी मिल जाएंगी उसमें तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी उसको देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और समत किचन को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपसे मिस नहीं होगा तो इस तरह से देखिए ये मक्खन धुल गया है पूरी तरह से और अब हम ये पानी भी निकल जाने देंगे और क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो मक्खन मेल्ट नहीं होगा पर अगर गर्मी होगी तो इसको आप बहुत देर तक ऐसे नहीं छोड़िएगा और अब ये मैं इसको जिस बर्तन में मुझे निकालना है घी उसमें पलट लिया तो ये मक्खन का इस्तेमाल भी आप ऐसे ही कर सकते हैं पराठे में लगा खा सकते हैं ब्रेड में खा सकते हैं अगर नहीं खाना है तो चलिए हम इसका घी बनाते हैं और ये वही मथानी है जिसको साफ़ करने में प्रॉब्लम होती तो मैंने साफ़ नहीं किया है उसको और इसी भगवने में डाल दूंगी आ, मैंने डाल दिया है जिससे और तेज़ आँच कर दी है गैस पर चढ़ते ही अब जैसे ही मक्खन पिघलना शुरू होगा उसके साथ साथ इसमें लगा मक्खन भी पिघल जाएगा और साफ हो जाएगा और बाकी बचे बर्तन हैं उसको भी आप गर्म पानी से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं इमीडिएटली तो इस तरह से ये देखिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स हम जब फॉलो करते हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है और इसी तरह से यहाँ पे हमारा देखिए कितना सारा घी निकल रहा है और मैंने अभी तेज़ आंच रखी है तो ये अब देखिए उबल के ऊपर आ रहा है और आप चाहें तो उसको धीमी आंच पे भी रख के छोड़ के जा सकते हैं बस बीच में एक चम्मच डाल दीजिएगा ताकि के ऊपर ना आए और इस तरह से वो भी गल जाएगा पर मैं अभी जल्दी कर रही हूँ इसलिए मैं तेज़ आंच में ही इसको पका रही हूँ तो चलाते रहना है अब तेज़ ज़्यादा आँच है तो मैं थोड़ी सी धीमी करे दे रही हूँ ताकि ये नीचे आ जाए और इस तरह से हमारा घी 10 से 12 मिनट में निकल आएगा तो ये देखिए अब ऊपर आपको काफ़ी घी दिखाई दे रहा है ये सब घी है पर नीचे काफ़ी मॉइस्चर है इस स्टेज पे हमें बंद नहीं करना है अभी और पकाना है तो पकाने से क्या होगा घी की लाइफ बढ़ जाती है मतलब आप ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं उसको और ये मैंने डाल दी इलायची इससे अच्छा फ्लेवर और अच्छी खुशबू आती है तो अभी देखिए इस स्टेज पे बिल्कुल ये थिक हो गया ऐसा लग रहा घी है ही नहीं कहीं घी कहाँ चला गया तो ऐसा नहीं है एक दो मिनट पकने के बाद वापस आपको घी दिखाई देने लगेगा ये देखिए घी वापस से दिख गया है और वो जो, जो जितना भी मॉइस्चर है वो अब सारा जल जाएगा और वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरह से ये देखिए आज को आप मीडियम कर लें और इस तरह से पकाते रहें और बस कितना अच्छा हमारा बिल्कुल शुद्ध देसी घी तैयार है बहुत घर में बना हुआ थोड़ी सी एफर्ट से आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं हमारी दादी नानी जो थी वो सब घी का इस्तेमाल करते थे सब बहुत ही हेल्दी होते थे उ, मेहनत करते थे घी खाते थे हम सब ने वो सब छोड़ दिया और बीमार हो गए तो अब डॉक्टर से भी बोल दिया है कि घी खाना है ये देखिए घी बिल्कुल तैयार हो गया है तो आप भी घी बनाएं और खाएँ और इसको मैं बंद कर दिया गैस और तो ठंडा होने के लिए रखा यहाँ पर ठंडा हो गया ये और अब इसको पतली छन्नी वाली छन्नी से जिसमें डबल होती है उससे छान लेंगे देखिए कितना बढ़िया और कितना सारा घी तैयार हुआ है तो इस तरह से जब ज़्यादा घी निकलता है तो अंदर से बड़ी खुशी मिलती है बहुत ही सैटिस्फेक्शन होता है तो आप भी ज़रूर निकालिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ और घी आपका ज़्यादा निकला कि नहीं निकला ज़रूर मुझे बताइएगा ये मेथड आपको कैसा लगा घी निकालने का सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि समध किचन के ही नाम से है आप चाहें तो उसमें भी जाके उसको फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको रेसिपीज़ मिलेंगी बहुत ही शॉर्ट और छोटे से शॉर्ट वीडियोज़ हैं और जिनको आप देख सकते हैं और ये देखिए ढेर देख सारा घी निकल आया और इसमें मलाई जो बचती है वो भी बहुत कम बचती है इस प्रोसेस से निकालने में तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से दबा दबा के जो भी बचा है थोड़ा बहुत वो निकाल लूँगी तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है और घी बहुत ज़्यादा निकला है तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी तरह से मैं निकालती हूँ जब ज़्यादा घी निकले तो फोटो तो लेना बनता ही है ये मैंने हस्बैंड को बोला कि आप फ़ोटो लें और अब मैंने ढक्कन लगा के इसको रख दिया है ये हो गया स्टोर घी अब आप इसको महीनों तक खा सकते हैं बिना किसी परेशानी के बिना किसी दिक्कत के और घी बनाइए सेहत बनाइए खाइए और खिलाइए और करिए वीडियो को लाइक और शेयर और बताइए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में थैंक्स फॉर वॉचिंग समत किचन